नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसा रुख अपनाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सरकार को बॉर्डर पर खड़े होकर कोरोना के बाहर आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से जूझ रहे लोगों के लिए घर घर जाकर टीकाकरण करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र की नियर टू होम यानी घर के पास टीकाकरण की योजना का मतलब है कि हम वायरस को पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमें इसे खत्म करने की जरूरत है। आपका यानी सरकार का दृष्टिकोण सर्जिकल स्ट्राइक जैसा होना चाहिए। आप बॉर्डर पर खड़े होकर वायरस का अपने पास आने का इंतजार कर रहे हैं, आप उनकी सीमा में नहीं घुस रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 337 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 36 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही दिल्ली में कुल मृतकों की संख्या 24,704 हो गई और पॉजिटिविटी रेट 0.46% हो गया है। पश्चिम बंगाल BJP की बैठक में बड़ी तादाद में विधायकों के शामिल नहीं होने से कई सवाल उठने लगे हैं। ये पूछा जाने लगा है कि क्या BJP विधायक पार्टी छोड़कर TMC में लौटना चाहते हैं। बुधवार को कोलकाता में हुई BJP की बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय के शामिल ना होने से अटकलों का बाजार और गर्म हो गया और कहा जा रहा है कि राज्य BJP में मचा तूफान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। मुकुल राय कोलकाता शहर में मौजूद रहने के बावजूद बैठक में नहीं गए। इसके उलट वे अपने घर पर समानांतर अनौपचारिक बैठक में रहे, जिसमें कई स्थानीय नेताओं ने शिरकत की। मुकुल राय के अलावा एक और ताकतवर विधायक हैं राजीव बैनर्जी, वे भी BJP से नाराज हैं। TMC का कहना है कि BJP के 35 विधायकों ने पार्टी छोड़कर TMC लौटने का पक्का इरादा कर लिया है और वे TMC के नेताओं से लगातार संपर्क में हैं, लेकिन उन्हें सही मौके का इंतजार है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद आज BJP में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज उनको BJP में शामिल कराया। पार्टी में शामिल होने से पहले जितेंद्र प्रसाद गृह मंत्री अमित शाह के घर भी पहुंचे। बता दें 2014, 2017, 2019 में लगातार वो कांग्रेस के टिकट से अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसके अलावा जब उनको कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में प्रभारी बनाकर भेजा, वहां भी कांग्रेस की हालत बेहद खराब रही। हालांकि हो सकता है कि BJP द्वारा उनको लेने के पीछे ब्राह्मण चेहरा दिखाई दे रहा हो। कहा जा रहा है कि योगी सरकार से नाराज ब्राह्मणों को साधने के लिए जितेंद्र प्रसाद को लाया जा रहा है। जितेंद्र के 2019 में भी BJP में शामिल होने की खबरें थीं। BJP में शामिल होने के बाद जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस से 3 पीढ़ियों का साथ रहा, ये महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच विचार के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि मैं किस दल को छोड़कर आया हूं, सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। प्रसाद ने कहा कि अगर आप अपने लोगों के काम नहीं आ सकते तो आपकी राजनीति और उस दल में रहने का क्या औचित्य है, इसलिए मुझे महसूस होने लगा कि मैं कांग्रेस में नहीं रह सकूंगा। जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि मौजूदा वक्त में अगर कोई सही मायने में पार्टी है तो वो BJP है, बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के होकर रह गए हैं। कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल होने वाले जितेंद्र प्रसाद को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है। सिंधिया ने कहा कि वो उनके छोटे भाई की तरह हैं और मैं उनका BJP में स्वागत करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि हमें विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के लिए हमें बेहतर समन्वय की जरूरत है। टिकैत ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमें समर्थन का आश्वासन दिया है। टिकैत ने कहा कि हम ममता दीदी से आग्रह करने आए हैं कि आपने बड़े दुश्मन को हराया है, आप ऐसा मॉडल तैयार करें जिसे सब फॉलो करें। राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने कृषि आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, किसान आंदोलन जब तक चलेगा तब तक इसका समर्थन करेंगे। ममता ने कहा कि मुझे अपील की गई है कि मैं इस बारे में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करूं। कोरोना के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। ममता ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सभी को इस संबंध में पत्र दिया जाए। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में 19 पैसे की वृद्धि हुई। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95.56 रुपये हो गई और डीजल की कीमत 86.47 रुपये हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 101.76 रुपये हो चुकी है और डीजल की कीमत 93.85 रुपये हो चुकी है। बता दें 4 मई के बाद 22वीं बार ऐसा हुआ है जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को 2021-22 फसल वर्ष के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।
इसके अलावा अन्य खरीफ फसलों की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह बाजरा के MSP को पिछले वर्ष के 2150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि वो काम नहीं होने के कारण पिछले साल का आधा टैक्स नहीं भर पाई हैं। कंगना ने दावा किया कि वैसे तो वो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली अभिनेत्री हैं, लेकिन काम नहीं होने के कारण अपने पिछले साल के टैक्स का आधा भुगतान नहीं कर पाई हैं। कंगना ने कहा कि ऐसा मेरे जीवन में पहली बार हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर सरकार बकाया राशि पर ब्याज वसूलती है तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। इसराइल में बेन्यामिन नेतन्याहू की सरकार गिरने जा रही है। रविवार को संसद में नई सरकार के लिए मतदान होगा, तो वहीं दूसरी ओर जाते जाते नेतन्याहू ने धार्मिक राष्ट्रवादियों को पूर्वी यरूशलम के पुराने शहर के बीच से मार्च निकालने की अनुमति दे दी है। पहले इस मार्च को निकालने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसको अब मंजूरी मिल चुकी है, जिसके कारण फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है। यरूशलम के मुस्लिम क्वार्टर से ये मार्च पहले गुरुवार को निकलने वाला था, लेकिन पुलिस ने असली रूट को खारिज कर दिया था। लेकिन अब ये मार्च मंगलवार को निकलेगा। वहीं गजा पर नियंत्रण करने वाले उग्रवादी संगठन हमास ने धमकी दी है कि अगर मार्च निकलता है तो टकराव होगा। हमास ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमने स्पष्ट संदेश दे दिया है। कोहनी की चोट के कारण न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन इंग्लैंड के खिलाफ 10 जून से खेले जाने वाले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम इस बात से आश्वस्त है कि विलियमसन भारत के खिलाफ 18 जून से शुरू हो रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए उपलब्ध होंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।